नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका T20 करंट अफेयर 12 अप्रैल 2024 में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एक, IPL में कम से कम 100 कैच, 1000 रन और 100 विकेट की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? उत्तर, रविंद्र जडेजा। नोट, चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने इंडियन प्रीमियर लीग में एक अनोखी तिहरी उपलब्धि हासिल की है। क्वेश्चन नंबर दो, हिग्स बेसोन या गॉड पार्टिकल की भविष्यवाणी करने के लिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक वैज्ञानिक पीटर हिग्स का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? उत्तर, 94 वर्ष की आयु में। नोट, गॉड पार्टिकल हिग्स बेसोन है। नंबर दो, हिग्स बेसोन कण भौतिकी के मानव मॉडल में एक प्राथमिक कण है जो हिग्स क्षेत्र के क्वांटम उत्तेजना द्वारा उत्पन्न होता है, जो कण भौतिकी सिद्धांत के क्षेत्र में से एक है। क्वेश्चन नंबर तीन, एक नए अध्ययन में भारत की मृदा स्वास्थ्य के प्रति गंभीर चिंता को उजागर किया गया है, जिसमें बताया गया है कि देश का लगभग 30% भूभाग मामूली मृदा अपरदन से प्रभावित है, जबकि महत्वपूर्ण कितने प्रतिशत भूभाग विनाशकारी ऊपरी मृदा क्षति से ग्रस्त है? उत्तर, 3%। नोट, एक नए अध्ययन में भारत की मृदा स्वास्थ्य के प्रति गंभीर चिंता को उजागर किया गया, जिसमें बताया गया है कि देश का लगभग 30% भूभाग मामूली मृदा अपरदन से प्रभावित है, जबकि महत्वपूर्ण 3% विभाग विनाशकारी ऊपरी मृदा क्षति से ग्रस्त है। क्वेश्चन नंबर चार, केंद्र सरकार ने मार्च 2024 में MHTC के मुख्य सतर्कता अधिकारी CVO की अतिरिक्त जिम्मेदारी किसे दी है? उत्तर, प्रदीप लक्ष्मण राव कामले को। नोट, 1995 बैच के भारतीय रेलवे मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेवा IRSM अधिकारी प्रदीप लक्ष्मण राव कामले को मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुख्य सतर्कता अधिकारी CVO का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर पाँच, वर्ष 2024 में पोकरल मल राजधानी गोयल स्मृति राजधानी कथा साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? उत्तर, प्रेमलता सोनी और डॉक्टर मदन सैनी को। नोट, वर्ष 2024 के लिए वार्षिक पोकरमल रानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार का प्रबंधन बीकानेर में मुक्ति संस्था के तत्वाधान में किया गया है। क्वेश्चन नंबर छः, कान फिल्म महोत्सव 2024 मानद पालमेडी और किसे मिलेगा? उत्तर, जॉर्ज लुकास को। नोट, जॉर्ज लुकास को आगामी कान फिल्म महोत्सव में मानद पालमेडी और पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जैसा कि महोत्सव के आयोजकों ने घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर सात, WHO 2024 ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक हेपेटाइटिस बी और सी रोग भारत में का कितना प्रतिशत हिस्सा होगा? 11.6%। नोट, WHO 2024 ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 में वैश्विक स्तर पर 254 मिलियन लोग हेपेटाइटिस बी से और 50 मिलियन लोग हेपेटाइटिस सी से पीड़ित होंगे। क्वेश्चन नंबर आठ, इसरो प्रमुख एस सोमनाथ द्वारा घोषित भारत के चंद्रयान 4 मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है, जिसे 2040 में लॉन्च किया जाना है? उत्तर, 2040 तक चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्री को उतारना है। नोट, इसरो का चंद्रयान 4 मिशन 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्वेश्चन नंबर नौ, कौन अप्रैल 2024 तक ATP रैंक के इतिहास में सबसे उम्रदराज विश्व नंबर 1 गया? उत्तर, नोवाक जोकोविच। उत्तर, नोवाक जोकोविच 36 वर्ष की आयु में ATP एकल रैंकिंग इतिहास में सबसे उम्रदराज विश्व नंबर 1 खिलाड़ी बन गए। उन्होंने रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 10, उद्घाटन राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 का पहला चरण कहाँ आयोजित होने वाला है? उत्तर, रांची झारखंड में। नोट, प्रथम राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 देश में महिला हॉकी प्रतिभा के प्रदर्शित करने और बढ़ावा देने के लिए हॉकी इंडिया द्वारा एक अग्रणी पहल है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में CRPF 16 दिवस कब मनाया गया? उत्तर, 9 अप्रैल। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिवस के बारे में, 1 अप्रैल उत्कल दिवस, 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 4 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, 3-5 हिंदी रंगमंच दिवस, 5 अप्रैल राष्ट्रीय सौंदर्य दिवस, 6 अप्रैल राष्ट्रीय हस्तनिर्मित दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस,
क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारत ने किस देश में सेटवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया है? उत्तर, म्यांमार। महत्वपूर्ण पॉइंट, दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक म्यांमार बना है। चक्रपात माइकोग बंगाली खाड़ी से टकराया, इसका नाम म्यांमार ने रखा। चक्रपात से प्रभावित म्यांमार के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी? उत्तर, नेपाल की सेना। महत्वपूर्ण पॉइंट, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 नेपाल में शुरू हुआ। नंबर 2, नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नंबर 3, नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। नंबर 4, आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में भारतीय सेना को किस देश ने पोर्टेबल इगला एस वायु रक्षा प्रणाली मिली? उत्तर, रूस से। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंसो को ने 878 दिन का या लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। महत्वपूर्ण पॉइंट, इसके रूस ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली। भारत नंबर 2, भारत ने रूस से 5-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे। नंबर 3, रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महा शक्तिशाली मिसाइल 7 का बनाई। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस देश के भारतीय मूल के न्यूरोलॉजिस्ट को ब्रिटेन के विश्व स्तरीय शोध दल में शामिल किया गया? उत्तर, डॉक्टर अश्वनी केशवन। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में भारत सरकार कहाँ LIB एंड ई वेस्ट के पुनर्चक्रण के लिए संयंत्र विकसित करेगी? उत्तराखंड। उत्तर, उत्तराखंड में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसके। नंबर 1, विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में राकेश मोहन को नियुक्त किया गया। नंबर 2, रवि कोटा ने असम के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। नंबर 3, टाटा इंटरनेशनल ने राजीव सिंगल को प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया। नंबर 4, कोकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए CMD संतोष कुमार झा बने। नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इंजीनियर के 33वें महानिदेशक के रूप में M सिद्धानाथ ने पदभार ग्रहण किया। नंबर 6, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया। नंबर 7, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया। नंबर 6, समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। नंबर 7, उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों के द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया। नंबर 8, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में IPEF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? उत्तर, सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उत्तर, मनोज पांडा को। महत्वपूर्ण पॉइंट है, FISMEA के नए अध्यक्ष के रूप में संदीप जैन ने कार्यभार संभाला। शैफाली शरण ने PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। जॉयश्री दास परमा ने फिक्की महिला संगठन के रूप में कार्यभार संभाला। नंबर 4, ATMA के नए अध्यक्ष हनुमान बनर्जी बने। नंबर 5, FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष PR श्रीजेश बने। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस देश ने रूस से सर्वाधिक कच्चे तिल का आयात किया? उत्तर, चीन। महत्वपूर्ण पॉइंट चीन के बारे में, अंटार्कटिक में वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया। भारतीय सेना ने चीन की सीमा पर IDDNIS सिस्टम तैनात किया। नंबर 4, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया। नंबर 5, चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रॉब लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में ES इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कौन सा नया ऐप लॉन्च किया? उत्तर, सुविधा पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस देश ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की? उत्तर, जिम्बाब्वे। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में भारतीय नौसेना हाफ मैराथन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? क्वेश्चन आंसर, उत्तर, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया? उत्तर, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक। थैंक यू।